नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी 24 न्यूज और मैं आपके साथ शालू तोमर। सरकार द्वारा जो बजट पेश हुआ है, फिरोजाबाद में लोग इस बजट से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। अगर बात गैस कनेक्शन की जाए तो सरकार फ्री दे सकती है, लेकिन गैस सिलेंडर पर जो महंगाई है वह भी कम होनी चाहिए थी। वही यही हाल टीवी और मोबाइल दुकानदारों का भी है, वो भी इस बजट से खुश नहीं दिख रहे हैं। देखिए संवाददाता राहुल चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल चौहान। मैं बताना चाहता हूं आपको कि नया बजट पूरे तरीके से पेश हो चुका है। वही पूरे बजट में काफ़ी सारी उम्मीदें पब्लिक को थी, जनता को काफ़ी सारा भरोसा था कि नया बजट जब पेश होगा तो उसमें कुछ राहत लोगों को मिलेगी। यही कुछ गृहिणी हम एक जगह बैठे हुए हैं, जहाँ कुछ गृहिणी हमारे साथ बैठी हुई है, उनसे पूछती है कि किस तरीके का बजट यहाँ आया हुआ है और कितनी संतुष्टि उस बजट से है। जी, क्या नाम है आपका? रश्मि जी, जैसे नया बजट पेश हुआ है, उस बजट में जैसे आप एक गृहिणी है, रसोई से शायद आपका बहुत अच्छा गहरा नाता होता है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि इस बजट से कितनी संतुष्टि है और क्या मानती है? बजट हम लोगों की मनमाफिक नहीं दिया है मोदी सरकार ने, बहुत बड़ी शिकायत है उनसे। सबसे पहली शिकायत रसोई गैस के सिलेंडर को लेकर है, जो कि एक मेजर हमारी जो है ज़रूरत है, इसके बिना हम लोग खाने की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सिलेंडर के लिए कहाँ जहाँ तो एक और वो कहते हैं सब्सिडी मिलेगी आपको, लेकिन हर महीने एक 800 रुपये करीब की मार जो पड़ती है घड़ी पर, उससे उसका बजट वहीं से उसका रखाने लगता है। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि सिलेंडर पर थोड़ा सा मोदी जी ध्यान देंगे। एक और उन्होंने गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिए हैं, और वहीं दूसरी ओर हर महीने जब सिलेंडर भर के आता है तो वही गरीब वर्ग पर जो मार पड़ती है तो वो उसको बहन नहीं कर पाते। मतलब जिस तरीके से आपको लगता है कि आप जो बजट पेश हुआ उससे पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। जैसा हम लोगों ने सोचा था कि बहुत सी चीज़ों को वो टैक्स फ्री भी करेंगे, जो कि डेली नीड्स की चीज़ें हैं, उन्होंने उनको टैक्स फ्री भी नहीं किया है, बल्कि जो एक मेजर टैक्स भी उन्होंने कई चीज़ों पर लगाया है जो कि डेली नीड्स की चीज़ें हैं। तो महिलाएं गृहिणी है, जो रसोई से उनका गहरा जो नाता होता है उनमें पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं, उनका कहना है कि जो रसोई गैस है उस पर कुछ शायद कुछ सुधार होना चाहिए था, लेकिन वो उम्मीद उनकी पूरी तरीके से गलत तरीके से रही है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? रीता मित्तल। रीता जी, जैसे नया बजट पेश हुआ है तो क्या लगता है आपको, आप उस बजट से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो नहीं संतुष्ट। व्हाट द रीज़न, आप क्यों संतुष्ट नहीं है? जैसे हमें शिक्षा में उम्मीद थी इनसे कि शिक्षा में कुछ सुधार करेंगे, शिक्षा के उसमें मेडिसिन, मेरा मानना अपना पर्सनल ये है, शिक्षा और मेडिसिन दो सरकार को फ्री करना चाहिए। जो हम हर चीज पर टैक्स देते हैं, उस टैक्स का रिफंड अगर सरकार हमें शिक्षा और मेडिसिन के रूप में दे, तो शायद जो सरकार को शिकायत है कि सब लोग टैक्स नहीं भरते हैं, मेरे ख्याल से ईमानदारी से लोग अपना टैक्स भरेंगे, क्योंकि उनको कुछ रिफंड मिल रहा है। और फिर तुम पूरी तरह से फ्री नहीं करते हो, तो कम से कम उसको सारे टैक्सेस से फ्री करें और गरीब लोगों को मुफ्त दिलवाएं। मतलब ऐसा ना करें कि गरीब आदमी अपने बच्चों का इलाज ही ना करा पाए, अपने बच्चों को पढ़ा ना पाए, क्योंकि बेरोजगारी भ्रष्टाचार की जड़ होती है। तो नहीं, आपको लगता है कि जैसे जो बजट पेश हुआ है जनता के उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ है? बिल्कुल भी बजट उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ है। एक और जहाँ स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, तो हम कहेंगे स्मार्ट कंट्री की बात कीजिए आप। और जैसे कि विदेशों में शिक्षा और मेडिसिन फ्री है, उससे लोग बहुत लाभान्वित भी होते हैं और टैक्स भी अपना ईमानदारी से भरते हैं, तो उस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। यहाँ महिलाओं का ये कहना है कि वो पूरे तरीके से जो नया बजट पेश हुआ उसमें पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है। जो बजट होना चाहिए था, जिस तरीके से गृहिणी के लिए रसोई में कुछ परिवर्तन कुछ होना चाहिए था, वो उसमें कोई सुधार नहीं आया। पर जो टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी को लेकर हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में जहाँ आप यहाँ मौजूद हैं, वहाँ शोरूम के जो ऑनर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके की संतुष्टि इस बजट से उनको हुई है या क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है उनके इस बारे में।
जी, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कौशल। ब्रजेश जी, जैसे जो नया बजट जो पेश हुआ है उसमें टीवी पर विशेष तौर पर कुछ बढ़ोतरी जो की गई है उससे क्या मानते हैं, कितनी सेटिस्फेक्शन में आप हैं, संतुष्टि आप संतुष्टि नहीं? बजट में जो एक्साइज ड्यूटी उन्होंने जो बढ़ाई है और उससे जो है लूज पार्ट कंपोनेंट हैं उन पे एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट जो आइटम बाहर से आता है एलडीओ में लूज पार्ट में कटिंग होती है एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी है, उससे जो है आम प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे महंगे हो जाएंगे। जब महंगे ऑलरेडी पहले से ही वो महंगे हैं जीएसटी के मार्ग की वजह से, सबसे महंगा स्लैब में ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही आता है 28% की जीएसटी पे जी, उसके बाद में और महंगा हो गया तो ये जनरली बजट तो संतोषजनक नहीं है। तो किस तरीके की उम्मीदें जैसे बजट पेश होने से पहले आप लोगों को भी कुछ उम्मीदें जैसे होंगी जिस तरीके से कि इस तरीके का बजट आएगा शायद कुछ उसमें राहत मिल सके? राहत तो यही थी कि हम जनरल जो सोच रहे हैं अभी बीच में पहले वाले स्लैब में आप साथ बजट में करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 28 से घटा के 18% के स्लैब में कर दें तो ग्राहक को आम प्रोडक्ट जो थोड़ा सस्ता महसूस होगा जो जी। तो मानना यह है आपका कि जनता को और जो जिस तरीके से आप जो ऑनर है चीज के आपका शोरूम है तो आपको या जनता को इस तरीके का इस बजट से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पूरे तरीके से बजट गलत पेश हुआ है। गलत हुआ है और आम जनता के लिए थोड़ा सा और महंगाई का हुआ। और दूसरा उनसे पूछ रहे हैं कि बजट से किस तरीके से कितना संतुष्ट है, जो मोबाइल पर जिस तरीके की टैक्स की बढ़ोतरी हुई है उससे कितनी संतुष्टि लोगों को है? क्या नाम है आपको? राहुल। जैसे आज जो बजट पेश हुआ है उस बजट में जैसे टीवी पर और मोबाइल पर जो 4% की जो बढ़ोतरी हुई है भैया, ऑलरेडी मोबाइल पर इतना इंक्रीमेंट हो चुका है, पूरी चीजें इतनी महंगी बनने लगी है। अब आप जैसा कि आप बता रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं कि बढ़े नहीं बढ़े कि इस पर टैक्स बढ़ा गया, तो दूसरी बात है कॉमन यूज की चीज हो गई आज के समय मोबाइल, हर यूज को चाहिए, पहले आदमी को मोबाइल ही चाहिए आज के समय। अब आप कह रहे हैं उस पर भी रेट बढ़ गई है तो दूसरी बात है कितना भी बड़ा इतना इशू नहीं है, मोबाइल उसे चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि मोबाइल से ही काफी उन्होंने लिंक कर दिया थी कि अब बैंक में वैसे ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है, यदि ये चार्ज है वो बैलेंस निकालेगा तो उसके चार्जेस लग जाएंगे, तो ये उसको मोबाइल लेना ही पड़ेगा। देखिए भैया मोबाइल की खरीद और बिक्री से तो खैर मुझे कोई तात्पर्य है नहीं, जहाँ तक हमें पता है जिस रेंज के मोबाइल जो आज से एक साल पहले थे उतना ही सामान महंगे में मिलने लगा, महंगे मिलने जिससे प्रॉब्लम तो हो रही है। प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पहले अब क्या है, पहले तो क्या है साधन मोबाइल तक कम जा रहे थे, अब इतने सॉफ्टवेयर हो गए हैं, सॉफ्टवेयर हो गए मेमोरी चाहिए रैम चाहिए, आप संतुष्ट नहीं है कस्टमर का और जो शोरूम के जो ऑनर है उनका भी यही कहना है कि इस बजट में मोबाइल पर जो टैक्स की बढ़ोतरी उस बजट से हम पूरे तरीके से असंतुष्ट हैं, संतुष्टिजनक किसी भी तरीके का बजट पेश नहीं हुआ है। दिव्यांशु कुचरेश के साथ राहुल चौहान, यूपी 24 न्यूज़।